नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका। तो रिसेंटली चाइना ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि मार्स प्लैनेट पर उसका रोवर जिसका नाम है चुरुंग रोवर ने सफलतापूर्वक वहां पर लैंडिंग कर ली है। और ये करने वाला वो दुनिया का दूसरा देश बन गया है, क्योंकि पहला देश तो आप लोग जानते हैं कौन है, अमेरिका यानी कि USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने रिसेंटली अभी भी वहां पर पर्सिवेंस रोवर भेजा था लगभग 2 महीने पहले। तो अब चाइना ने वहां पर लैंड कराया है। तो आखिर इसमें क्या अलग है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस था, और अगर हम बात करें तो उसने कहां पर लैंड किया था और इसने कहां पर किस साइड पर लैंड किया है, क्या दोनों ने सेम प्लेस पर लैंडिंग की है, और भी बहुत सारी बातें हैं इस वीडियो में हम बताएंगे कि चाइना के और जो फ्यूचर मिशन क्या हैं जो कि मार्स प्लैनेट पर वो भेजने वाला है। तो जानना है तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले एक बात कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पेस रिलेटेड नॉलेज ही दिया जाता है, और वो नॉलेज जो आपके लाइफ में और एग्जाम में जरूर काम आएगा। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें तो अर्थ से जो मार्स है वो कितनी दूरी पर है, तो लगभग जो 32 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो इतनी डिस्टेंस देखिए इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर जो अगर कोई रोवर भेजा जाता है तो उससे यहाँ तक सिग्नल आने में लगभग जो कितना समय लगता है, 18 मिनट का समय लग जाता है। सोचिए डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है। और अगर हम बात करें इसके बारे में आगे इस वीडियो में कि चाइना की स्पेस एजेंसी जिसका नाम रखा गया था CNSA, जिसने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट से इसको भेजा था, कब भेजा था, जुलाई के महीने में भेजा था, और जो मिशन का नाम था वो तिहाने फर्स्ट जो कि इसका ऑर्बिट था, और ये है रोवर जिसका नाम है चुरुंग। और हम आगे अगर बढ़ते हैं कि इसके और भी कुछ फ्यूचर मिशन भी हैं, तो कौन कौन से हैं फ्यूचर मिशन, तथा ये एक बात और कि अभी जो चाइना है वो इस मिशन में कम्प्लीट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, क्योंकि कम्प्लीट सक्सेसफुल तब माना जाता है जब ये रोवर वहाँ पर लगभग जो है 90 दिन वहाँ पर स्वेच्छा से मतलब अच्छे से वर्क करेगा और वहाँ की जो भी फुटेज है वो भेजेगा अर्थ पर, तब माना जाता है कि ये जो वहाँ पर मिशन भेजा गया था वो कंप्लीट सक्सेसफुल रहा। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले भी USSR ने 1971 ईस्वी में मार्स प्लैनेट पर 3 मिशन भेजे थे, 3 रोवर भेजे थे, लेकिन वो वहाँ पर सक्सेसफुली लैंड तो हो गए थे, लेकिन लैंड करने के बाद उसका सिग्नल जो है कट हो गया था, तो वो अनसक्सेसफुल ही माने जाएंगे। तथा आगे हम बात करें तो चाइना ने रिसेंटली जो बहुत ज़्यादा ही स्पेस के क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया है, क्योंकि अभी अभी आप लोग जानते होंगे कि स्पेस स्टेशन भी वो लॉन्च कर रहा है, और मार्स पर भी मिशन भेजा है, मून पर भी भेजा है, मार्स पर एक मिशन और भी भेजना चाहते हैं, मार्स पर सिंपल रिटर्न मिशन भेजना चाहते हैं लगभग 2028 तक। और बात करें तो एक एस्टेरॉयड मिशन भेजेंगे लगभग हम बात करें तो 2024 तक, जो कि होगा रसिया और मार्स दोनों मिलकर के भेजेंगे। तथा और भी कुछ बातें हैं, कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस था जो इसके पहले नासा ने रोवर भेजा था जिसका नाम है पर्सिवेंस, और उसके बाद अब जो है लैंड किया है चुरुंग जो है चाइना का। तो इन दोनों में मेन देखिए डिफरेंस क्या था कि इसने जो लैंड किया है मार्स प्लैनेट का जो सरफेस है जिसका नाम है जेजेओ क्रेटर पर, और ये जो चाइना का है इसने ये कहाँ पर लैंड करेगा, तो ये लैंड करेगा यूटोपिया प्लेनेटिया जो कि वहाँ पर जो नादन स्पेयर है वहाँ पर जाकर के लैंड करेगा मार्स प्लैनेट। तथा चाइना का ये पहला मिशन तो नहीं है आप लोग जानते हैं, लेकिन पहले मिशन का नाम क्या था, तो पहले मिशन का नाम ये रखा गया था, लेकिन ये जो मिशन था वो फेल हो गया था, ये इसने 2011 में भेजा था। तथा इंडिया तो आप लोग जानते हैं पहली बार ये मार्स प्लैनेट पर उसने सफलता हासिल की थी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी, और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।